अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा नाम मूसा फिजत फ़ख्र जमान ने बड़ा बयान दिया है कि वो हम अभी भी उम्मीद है कि हम पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करेंगे। हम एक कुदरत का निज़ाम हो सकता है, जैसे हम T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किया फिर हम सेमीफाइनल बहुत अच्छा खेले थे तो कोई सिनेरियो बन सकते हैं, वरना कोई सिचुएशन तो है नहीं। श्रीलंका न्यूजीलैंड को रहा, न्यूजीलैंड तीनों मैचेस हारे तब जाके पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुँचेगा। और उन्होंने मजीद कहा कि पूरे जो पाकिस्तान के कड़के फैन है डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि मालूम है हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, साथ पूरी पाकिस्तान टीम भी इस वक्त सदमे में, और हम अपने आखिरी मैच तक कोशिश करेंगे कि हम अपने पूरा 100% दें और सेमीफाइनल में पहुंचने की कोशिश करें। अब ये तो हकीकत है, पाकिस्तान टीम ने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग, स्पिनिंग डिपार्टमेंट, हर शोबे में हमने अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई, जिसकी वजह से आज हमें ये दिन देखने पड़े हैं कि हमारी टीम जो है वो पहले राउंड से बाहर हो जाएगी। जैसे कुछ महीना पहले कहा दुनिया की नंबर वन बॉलिंग थी, आज स्पिन बॉलिंग हमारी अच्छी क्लिक नहीं कर रही, हमारे इश्यूज ऐसे बने हुए हैं कि हमारी टीम परफॉर्म नहीं कर रही, तो ये बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। और होप उम्मीद किया कि ये जल्दी ये इशूज़ जो है रिजॉल्व हो जाएंगे। वो जो है हर बड़ा का कोई भी बड़ा इवेंट आता है उसके बाद कप्तानी चेंज हो जाती है, लेकिन स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता। अब ये सारा स्ट्रक्चर में खराबी है, बाकी मॉडर्न टीम में देखने कहाँ पहुँच गया और हम देखें किधर पहुँचे।